तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल द वैगाबॉन्ड डॉक्टर में। जो आज का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट जो था लोनार्ड केव्स का, उसका कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि आपको एक अच्छा कंटेंट दूँ, नॉट ओनली कि राइड्स या जगह का नहीं, लेकिन उस जगह के बारे में कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन भी आपको दूँ। तो कोशिश कितनी कामयाब होती है, कितना मैं सफल होता हूँ इसमें, कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल बटन आता है उसे दबाना मत भूलिए। आप उसे प्रेस करोगे तो मेरे जो आगे के वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलते हैं फॉरगॉटन हिस्ट्री के पार्ट टू में, शंकर मंदिर लोनार्ड। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं पुरातन शिव मंदिर में। ये भी लोनार से जो केव्स है वहां से कुछ एक या दो किलोमीटर पे है। ये जो मंदिर है ये 11th सेंचुरी में बनाया गया था। शिलार राजा थे, उन्होंने बनाया था। अभी सब बहुत सा टूट सा गया हुआ है, इसका जीर्णोद्धार होना ज़रूरी है। आजू बाजू भी सब इसके घर आ गए हैं, पब्लिक आ गई है, लेकिन आज भी अपना अस्तित्व टिका है इस मंदिर ने। ये मंदिर जो बनाया है ये हिमाडपंथी स्टाइल में है। हिमाडपंथ स्टाइल के जो मंदिर थे ये 11th शताब्दी में बहुत कॉमन थे। और आपने कभी ये सोचा है कि इसे हिमाडपंथ क्यों कहते हैं? हिमाडपंथी स्टाइल मतलब होता है कि ये मंदिर जो बनाए गए हैं सिर्फ काले जो पत्थर है और चूना से बनाए गए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं किया गया है। और क्या आपको ये पता है कि हिमाडपंथी स्टाइल की जो मंदिर है ये हिमाडपंथ नाम के प्राइम मिनिस्टर थे शेवना यादव ऑफ देवगिरी, उनके राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इस स्टाइल की खोज की, इसीलिए इसका नाम हिमाडपंथी स्टाइल पड़ा हुआ है। ये शिवलिंग है जो शायद हाल ही में गाँव वालों ने बिठाया हुआ है, पुरातन शिवलिंग तो नहीं है ये। यह मंदिर शायद 11वीं शताब्दी से भी जुना है, क्योंकि इसका सबसे पहला रेफरेंस मिलता है वसई के शिलालेख पे जो 10083 में लिखा गया था। उससे यह पता चलता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार उस वक्त हुआ था, और यह मंदिर और उसके आगे की जो बगीचा थी वो लोना शहर, लोना यानी जो आज का लोनार्ड है, इसके उपाध्याय यानी जो आके मुखिया थे उन्हें सौंपा गया था। मंदिर के पीछे ये तालाब है और ये सामने आपको एक नया मंदिर भी दिख रहा है। ये कुछ बचे हुए अवशेष एक इतिहास के। हम लोग कुछ 11:15 बजे निकले थे डुंगिरी से, और ये सामने जो दिख रहा है आपको वह लोनार्ड केव्स है। वहाँ से आप नीचे उतरते हो, ये गांव में आते हो, तो यहाँ शंकर मंदिर है। दोनों प्लेस क्लोज बाय है। तो 2 बज गए हैं, हम लोग निकले थे कुछ 11:15 को, तो लगभग 2 से 3 घंटे में ये पूरा रूट हो जाता है आपका। आओ कभी एक वक्त
एक संडे रिलैक्सली क्लोज बाय और एंजॉय करो। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक माय व्लॉग, सी यू, बाय।